चीन में रहने वाले मुस्लिमों का अस्तित्व अब खत्म होने के कगार तक पहुंच चुका है। कुछ सालों पहले से ही चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार की खबरें आई थी। पूरी दुनिया ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन चीन ने किसी की ना सुने। उइगर मुस्लिमों के छोटे छोटे बच्चों को उनसे अलग कर लेना, उन्हें डे नाइट बोर्डिंग स्कूल की तर्ज पर चलने वाले जगहों पर माँ बाप की पहुंच से दूर रखना, जवान मुस्लिम लड़कों और वयस्कों को डिटेंशन कैंप या कहें सुधार केंद्र में कैद कर लेना, यहाँ के मुस्लिमों के लिए अब आम बात हो चुकी है। चीन का मकसद साफ है, या तो मुस्लिम अल्पसंख्यक चीन से खत्म हो जाएं, या वो अपनी रीति रिवाज छोड़कर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ जाएं। यहाँ के ज्यादातर मस्जिद तोड़ दिए गए हैं। रोज नमाज पढ़ने, दाढ़ी रखने, टोपी पहनने पर एक अनकहा प्रतिबंध है। उइगर्स के मानवाधिकार का उल्लंघन इस हद तक है कि सड़कों पर जगह जगह चेक पोस्ट बना दिए गए हैं। यह बात सिर्फ बॉडी स्कैनिंग तक नहीं रुकती, यहाँ उइगरों की आवाज, उनके चेहरे, उनके फिंगरप्रिंट्स, यहाँ तक कि मोबाइल की भी स्कैनिंग की जाती है। और तो और, अब मुस्लिमों के बच्चे पैदा करने पर भी एक अनकहा प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक और जहाँ बूढ़ा होता चीन, देश में वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर कई बच्चे पैदा करने को प्रोत्साहित कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शिनजियांग प्रांत में जन्म नियंत्रण अभियान चला रहा है। गर्भ रोकने में मददगार एक डिवाइस IUD या कहें कॉपर टी, इसका इस्तेमाल बीते कुछ सालों में शिनजियांग में तेजी से बढ़ा है। यहां साल 2014 में 2 लाख IUD का इस्तेमाल किया गया, जो 2018 में बढ़कर 3,30,000 तक पहुंच गया। साल 2016 से 2018 के बीच यहां 60,000 लोगों की नसबंदी करा दी गई। अब उइगर महिलाओं का रेगुलर प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। प्रेग्नेंट होने पर जबरदस्ती गर्भ निरोधक गोलियां खिला दी जाती है। चंगेज खान के वक्त से इस इलाके में बसे ये करीब 10 अलग अलग समुदायों के मुस्लिम और चीन के लोकल रहवासी हान समुदाय के बीच रुक रुक कर संघर्ष चलता आ रहा है। साल 2009 में उइगर और हान के बीच संघर्ष चरम पर था। इसके बाद से ही चीन ने धीरे धीरे उइगर समेत दूसरे मुस्लिमों पर प्रतिबंध बढ़ाना शुरू कर दिया। आज हालात ये हैं कि अपने रिवाज तो दूर, बच्चे पैदा करने पर भी एक अनकहा प्रतिबंध लगा दिया गया है।